हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ टेंजेंट। आज के वीडियो में अपन ने टेंजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है उनको अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने अलग अलग टेंजेंट्स निकालने के लिए बहुत सारे जो मेथड्स थे उनको अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरह से हैं उनके सूत्र जो है उनको अपन ने ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधोलंब, ये सब जो निकालने की जो फॉर्मूलाज थे वो अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज उन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए अपन टेंजेंट को निकालना सीखेंगे कि टेंजेंट जो है अगर वो किसी की लंबवत टेंजेंट निकालनी हो तो किस तरह से निकालनी है, किसी की अधोलंब टेंजेंट हो तो वो ध्रुवीय स्पर्शी लंब खींचना, ये सब जो चीज़ें अपन ने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूलाज की हेल्प से देखा था उनको अपन आज जो है वो क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे कि किस तरह से अपन क्वेश्चन में उनको अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें अपने को क्या क्या ज्ञात करना है। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक दीर्घवृत्त की इक्वेशन दे रखी है ध्रुवीय रूप में, एल बाई आर इक्वल्स टू वन प्लस ई कोस थीटा। ये पोलर फॉर्म में एक जो दीर्घवृत्त होता है, हाइपरबोला होता है, उनकी इक्वेशन को, सॉरी हाइपरबोला नहीं, दीर्घवृत्त जो है उसकी इक्वेशन अपने को यहां पर दे रखी है। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर पहले इसमें फाइंड आउट करनी है ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, ध्रुवीय स्पर्शी यानी पोलर टेंजेंट, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, और दूसरा इसमें फाइंड आउट करना है, दूसरा इसमें देखना है अपने को ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब। ये दो चीज़ें आज अपन निकालना सीखेंगे। तो देखिए जो इक्वेशन होती है अपने को पता है कि ध्रुवीय स्पर्शी की जो लंबाई होती है वो अपने पास कितनी होती है, उसका फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर। उसका जो फॉर्मूला होता है ध्रुवीय स्पर्शी की, उसके लंबाई का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर। तो देखिए यहाँ जो अपने को इक्वेशन दिख रही है इस इक्वेशन का अपन क्या कर देते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, देखिए माइनस एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो है वो यहाँ पर थीटा का फंक्शन होगा तो आर का होगा, एल तो यहाँ पर क्या है अपना कांस्टेंट है, और आ जाएगा डी आर बटा डी थीटा। और बराबर में अपने को क्या दे रखा है, ये जो वैल्यू है इसका थीटा की रेस्पेक्ट में होगा तो माइनस ई बटा माइनस ई साइन थीटा यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इससे जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डी आर बाई डी थीटा, तो देखिए डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी आर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एल नीचे आ जाएगा, और ये हो गया एल। अब अपने को जो फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए होती है, फॉर्मूले में अपने को डी थीटा बटा डी आर चाहिए होता है, तो इसका जस्ट क्या कर देते हैं अपने अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जिससे अपने पास में जो अपने फॉर्मूलाज में अप्लाई हो वो यहाँ पर अपने लगा सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने क्या बनेगी, डी थीटा बटा डी आर इसकी वैल्यू अपने पास बन जाएगी एल बटा आर स्क्वायर ई साइन थीटा, ये जो है वो अपने पास डिफाइन हो जाएगी। अब देखो अब अपन यहाँ पे ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो लिखेंगे ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई तो क्या बनेगी अपने पास, देखो आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर होता है, तो डी थीटा बटा डी आर की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे,
आर स्क्वायर यहाँ पे है ही, डी थीटा बटा डी आर की वैल्यू होगी एल बटा आर स्क्वायर ई साइन ए थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपनी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी एल बटा ई साइन ए थीटा, ये यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ये अपना जो पहला जो अपने को निकालना था वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा जो है उसमें अपने को लंब की वैल्यू निकालनी, यानी पी जो होता है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना। अब पी का जो इक्वेशन है वो ये था 1/p² बराबर 1/r², जो बहुत सारी वैल्यूज जो डिफाइन होती है उनको अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन का क्या करेंगे अपन, लॉग लेंगे e cos थीटा। ये अपने को इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, तो इस इक्वेशन का क्या लेना है अपने को, लॉग डिफाइन करना है। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दूसरा जो है उसको निकालेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो जब इसमें लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग एल माइनस लॉग आर बराबर में हो जाएगा लॉग 1+e cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। अब देखिए, अब इसका थीटा की रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो जब अपन अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखो ये तो बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए क्या बन जाएगा अपना, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -1/r dr/d थीटा। पहला तो वैल्यू अपना इधर तो यही आ गया, और उधर जो है वो बन जाएगा e - e sin थीटा और बटे में आ जाएगा 1+e cos थीटा। ये वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर आ जाएगी, तो माइनस है माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1/r dr/d थीटा अपने पास आया है, ठीक है, इसका देखिए कल अपन ने जो वैल्यू पढ़ा था तब अपन ने क्या पढ़ा था कि tan phi की जो वैल्यू होती है, tan phi की वैल्यू होती है r d थीटा बटा dr। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू जस्ट इसकी उल्टी है, और tan का उल्टा क्या होता है अपने पास में, cot डिफाइन होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cot phi बराबर में क्या जाएगा e sin थीटा बटा 1+e cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे p जो है वो उसको अपन सूत्र के अनुसार कुछ मानेंगे, तो p की जो वैल्यू है उसको मानेंगे अपन r sin phi, p बराबर r sin phi। तो देखिए अपनी इक्वेशन जो है वो कैसे चेंज हो जाएगी, 1/p² क्या हो जाएगा, 1/r² और 1/sin² जो होगा उसको क्या लिख देंगे, cosec² phi लिख देंगे। अब cosec² phi को अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो cot है उसकी फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे, 1+cot² phi, और अब यहाँ से जो cot है इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1/r² 1+cot² phi की वैल्यू है e² sin² थीटा बटा 1+e cos थीटा² ये वैल्यू यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, और सरल करके आंसर निकालते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, सरल करके जब आंसर निकाला तो 1/p² अपना इधर चल ही रहा है, 1/r² बाहर है, और जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1+e² cos² θ + 2e cos θ + e² sin² θ बट्टे में, ये जो वैल्यू है ये ऐसी एज इट इज रहेगी।
ठीक है। अब देखिए e स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे e स्क्वायर लिख देंगे, तो अपनी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई कोस थीटा और बटे में आ जाएगा 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो अपनी यहाँ पे डिफाइन हो गई, ठीक है। अब समीकरण में जो अपन जो शुरुआत वाली समीकरण थी वहाँ से इसमें कुछ रिप्लेस करेंगे, ई कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे किसे, देखिए एल बाई आर बराबर वन प्लस ई कॉस थीटा है, तो यहाँ से ई कॉस थीटा को अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा आर माइनस वन, ये अपन इसको क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको e cos थीटा दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 बाई पी स्क्वायर बराबर 1 बाई आर स्क्वायर तो अपना बाहर है और 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2, अब ये e cos थीटा है तो इसकी जगह हो जाएगा l बटे आर माइनस 1 और बटे में क्या डिफाइन हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 प्लस एल बटे आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए इक्वेशन जो है वो अपनी पैडल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, पदिक समीकरण में अपने यहाँ पर बदल जाएगी, तो यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बचेगी 1 बाई पी स्क्वायर अपना ये है ही 1 बाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे क्रॉस लगाएं तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ऊपर होके आर स्क्वायर ऊपर एल स्क्वायर नीचे, और ये इक्वेशन अपन अंदर एज इट इज लिख लेते हैं प्लस 2 2 एल बाई आर माइनस 2, ठीक है। तो इसको अपन सरल कर लेते हैं, तो देखिए सरल करने पर ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल होगी तो 1 बाई पी स्क्वायर बराबर हो गया 1 बाई एल स्क्वायर और 2 एल बाई आर प्लस ई स्क्वायर और ये बच जाएगा माइनस का 1, ये क्या आ जाएगी पदिक समीकरण, और यही पदिक समीकरण क्या दिखाएगी अपनी, किसी ध्रुवी स्पर्शी द्वारा डाले गए लंब को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, ये अपना क्या डिफाइन हो जाएगा, ध्रुवी स्पर्श रेखा द्वारा डाले गए लंब की लंबाई यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन कोई भी जो टेंजेंट गिवन होती है उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनको अपन फॉर्मूलाज की हेल्प से इजीली जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था अपना आज का वीडियो एग्जाम्पल ऑफ टेंजेंट के बारे में जिसको अपन ने डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ आया होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।